हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम है जो बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास के लिए, एज वेल एज अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक समरी फॉर्म में आपको जो प्रोवाइड हो जाता है ये बिजनेस के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, साथ ही साथ बीकॉम और एमकॉम को तो हेल्प करेगा ही करेगा ये, यानी जो भी कॉमर्स से रिलेटिव है उनको ये ज़रूर हेल्प करेगा वीडियो। ओके, तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये सिर्फ ट्वेल्थ के लिए है। अगर आप एम कॉम बी कॉम में नेट भी प्रिपरेशन करें तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से और एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो आज हम वेरियस टॉपिक्स को कवर कर लिए। आज हम देखेंगे लीडरशिप स्टाइल को। ओके, लीडरशिप हम पहले कवर कर चुके हैं। सो लीडरशिप जो है वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग होता है। आज हम लीडरशिप के स्टाइल को देखेंगे। सो थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, डैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर्सफेयर। ओके, सो पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक की। सो वॉट इज ऑटोक्रेटिक? तो ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। ओके, तो ऑटोक्रेटिक मतलब एक सिंगल से भी ऑटो मतलब खुद जो लीडर होगा ना उसकी ये सोच होती है कि वो बस ऑर्डर दे। ओके, और वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो सबॉर्डिनेट है उसके ऑर्डर को क्या करे, फॉलो करे। ओके, माने, ठीक है, इसका यही होता है, यानी वो सबॉर्डिनेट से कोई भी है जो अपेक्षा मतलब नहीं रखे था कि वो अपने आइडियाज हम उस लीडर को प्रोवाइड करे या कुछ भी। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो उसने ऑर्डर दे दिया, एक लीडर ने, एक जो भी लीडर था उसने जो ऑर्डर दे दिया उसको फॉलो अप किया जाए उसके सबॉर्डिनेट के थ्रू, डैट इज़ ऑटोक्रेटिक। ठीक है, इफ़ अ मैनेजर इज़ फॉलोइंग दिस स्टाइल, अगर एक मैनेजर इस स्टाइल को फॉलो करता है देन कम्युनिकेशन इज ओनली वन, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही हो रहा है। ठीक है, वे विद वन वे होता है विद द सबॉर्डिनेट ओनली, तो सबॉर्डिनेट के साथ और वन वे कम्युनिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। ठीक है, किस तरीके से, यानी कमांड जो हमने दिया है किसने, मैनेजर ने दिया है। ठीक है, इस तरीके से वन वे कम्युनिकेशन को हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, ऑटो। ठीक है, देन है नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी से रिलेटेड हम बात कर सकते, जहाँ पे जो लीडर तो होगा साथ ही साथ वो अपने जो भी पीपल होंगे उसके अंडर जो भी काम उसकी भी सुनेगा। ओके, सो डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबॉर्डिनेट्स, राइट। और ये सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक है सबसे अच्छा स्टाइल लीडरशिप का माना जाता है। ओके, तो डेमोक्रेटिक लीडर में यही बोला गया है कि वो अपने एक्शन को डेवलप करेगा, ठीक है, डिसीजन बनाएगा, और जो भी वो डिसीजन बनाता है तो वो अपने आप में नहीं बनाएगा या खुद से नहीं बनाएगा, बल्कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ उसके साथ कंसल्ट करेगा, ठीक है, उसके कंसल्टेशन के साथ बनाएगा, ठीक है, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। ही विल इंक्रीज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर है यानी जो भी लीडर है वो एनकरेज करेगा किनको, जो भी अपने सबॉर्डिनेट है उनको एनकरेज करेगा कि वो भी पार्टिसिपेट करे उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन लेना है तो उसमें वो अपने आइडियाज़ को भी दे सकते हैं। ठीक है, देन लेजर्स फेयर। सो सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट, यानी कहने का मतलब है कि इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, इसमें जो लीडर होगा उसको मतलब वो ये बिलीव नहीं करता कि वो पावर में बिलीव नहीं करता, वो ये कहेगा कि जो भी है मतलब उसमें मनमानी तरीका, यानी आप लीडर ने पूरी खुली खुली छूट दे रखी है कि आपको जो करना है करो। ठीक है, किसी का किसी के ऊपर ना क्या कह सकते हैं हम इसको, पावर ही नहीं है। ठीक है, तो इसने यही बोला कि सच्चा लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर, कि वो उसको ना बिलीव ही नहीं होता कि वो अपने पावर को यूज़ करे, अनलेस इट इज़, जब तक नहीं करेगा जब तक इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, जब तक ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जिसको जो करना है वो करे। ठीक है, तो द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो वी फॉलोअर्स होते हैं उसके, उसको हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी होती है। ठीक है ना, टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, कि वो अपना खुद का ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करे एंड वे टू अचीव दैम, और जो भी उनको अचीव करना है उसको वो अचीव कर ले। ठीक है, तो ये लेजर्स फेयर में आता है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक में हम ओनली वन इंडिविजुअल की बात हो रही है, बोले वन वे कम्युनिकेशन की बात, डेमोक्रेसी में टू वे बोल सकते हैं, बिकॉज जो लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करता है, लेजर्स फेयर में तो पूरी खुली छूट है भाई कि जो करना है जिसको वो करे। ठीक है, तो ये हमने आज जाना ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर्स फेयर, ये तीन स्टाइल रहते थे, इन्हीं को आज कवर करना था मुझे। आई होप कि आपको ये स्टाइल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।